हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए जब जनक नंदिनी की दशा को देखते हैं व्याकुल हो जाते हैं। और वो ऐसी स्थिति आई कि जब उन्हें ये लगा कि यही उचित अवसर है, जब यहाँ पूरी तरह एकांत हो गया है, रावण अपनी रानियों के साथ पहले जा चुका था और उसके पश्चात दिशा का स्वप्न सुन करके किशोरी जी को डराने वाली राक्षसियां भी दूर चली गई थी। और दिशा से जब सीता जी ने यह कहा कि तुम अग्नि ला करके मेरी चिता सजा दो, मैं अपने शरीर का त्याग कर लेना चाहती हूँ, तो दिशा को ऐसा लगा कि अब यहाँ मैं रहूंगी और वे बार बार यदि आग्रह करती रहें तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए उसने यही कहा कि राजकुमारी, रात्रि के समय अग्नि में मिलना रात्रि की दृष्टि से उचित नहीं है, आप प्रतीक्षा कीजिए, दिन हो जाएगा तब विचार करेंगे। दृष्टा की भाषा बड़ी सांकेतिक थी, रात्रि के अंधकार के रूप में ही मानो आज निशाचरियों के बीच में जनक नंदिनी की छोरी गिरी गई है, व्याकुल हो रही है, निराश हो रही है और दृष्टा उनको आश्वासन देती है कि मत भूलिए कि रात्रि के बाद दिन भी होता है, सूर्य का उदय भी होता है और इसलिए आप ऐसा करें। और ऐसा करते करके दृष्टा भी वहां से चले जाती है। हनुमान जी ने उस अवसर का सदुपयोग इस रूप में किया, वो प्रभु के द्वारा दी गई जो मंत्रिका लाए थे उसे उन्होंने नीचे गिराया और माँ को ये लगा जबकि जननी जनक नंदिनी को ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कोई अशोक वृक्ष ने ही मेरी सहायता करने के लिए अग्नि का टुकड़ा डाल दिया। मंत्रिका हाथ में थी, वो पंचनी हुई मुजरी देख सकते हुए सोचने लगी यह मुद्रिका यहाँ तक आ गई, प्रभु को परास्त करके कोई ला सके ऐसा संभव नहीं थी और माया के द्वारा भी ऐसी रचना नहीं की जा सकती। जब ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय हनुमान जी ने श्री सीता जी को राम कहा। भगवान राम के जन्म से लेकर के आरण्यकांड तक श्री सीता जी को उन्होंने पूरी राम कथा संक्षेप में जितनी जिसे रश्मी कथा की किशोरी की उसे सुनने में समय हो गई, कौन बोल रहा है इसका भी ध्यान नहीं रहा और वो रश्मी कथा सुनते सुनते वे इतने आनंद में विभोर हो जाती हैं कि उनका दुख भाग जाता है। और तब अचानक जब कथा समाप्त हुई तो उन्हें लगा कि जिस वक्ता ने इतनी मधुर कथा सुनाई मैं उसे तो धन्यवाद दूँ, उसका तो स्वागत करूँ। हनुमान जी से उन्होंने अनुरोध किया कि जिन्होंने ये कथा सुनाई वे सामने क्यों नहीं आए, और हनुमान जी माँ के सामने आए। पर माँ को यह कल्पना नहीं थी कि राम कथा सुनाने वाला कोई बंदर होगा, और तो किसी विद्वान वक्ता की ऐसी कल्पना मन में थी। हनुमान जी को देख करके माँ पीठ कर देती हैं उनके मुख के सामने और वो हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं शुक्र श्री राम का दूत हूँ, यह मुद्रा मैं लेकर के आया और मैं करुणा ध्यान की शपथ खा करके कहता हूँ कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। इतनी प्रेम भरी वाणी में हनुमान जी ने ये बात कही कि माँ को पूरा विश्वास। कथा का जो राम नाम और राम कथा ये दो महत्व के सूत्र हैं जिनकी चर्चा कई दिनों से आपके समक्ष की जा रही है। जीवन में न जाने कितने प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी अनुकूल होती हैं और कभी बहुत प्रतिकूल होती हैं। और श्री सीता जी के समक्ष उनका जो वर्णन है
उसको पढ़ करके आप कल्पना कीजिए कि क्या इससे किसी भीषण परिस्थिति की कल्पना की जा सकती है। 14 वर्ष के लिए वन में ही उन्हें नहीं रहना पड़ा। आज तो राक्षसों की नगरी में अकेली वो बैठी हुई है, व्याकुल है, अत्यंत दुखित है। राक्षसियों के द्वारा उन्हें डराया जा रहा है, राक्षस रावण के द्वारा उन्हें लोभ और भय दिखाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति साधारणतया किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती, पर अगर ऐसी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति का समाधान क्या? और तभी ये दो महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रसंग में मिलते हैं। एक तो राम नाम, जिसका हनुमान जी ने मुद्रिका के रूप में माँ के पास मुद्रिका को पहुंचा करके संकेत, और दूसरा सूत्र है राम कथा। मुझे नियुक्त था कि आज हमारे राज्यपाल महोदय ने भी राम कथा की अनंतता और महिमा की ओर संकेत किया। ये जो राम कथा है सचमुच अगर इसे सही अर्थों में कहा जाए और सही अर्थों में सुना जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राम कथा के द्वारा हमारे आपके जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान हो सकता है। अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनका समाधान होता है और उसका सूत्र क्या? राम कथा को जब अनंत कहा गया, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, उसके पीछे एक तात्पर्य और तात्पर्य यह है कि इतिहास में तो अनेक कथाएं हैं, अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन वे घटनाएं अनंत नहीं। किंतु जब हम कहते हैं कि राम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो ईश्वर तो अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसकी लीला भी अनंत है, और इस तरह से उसकी कथा भी अनंत ही है। क्या तात्पर्य है इसका? और इसीलिए राम कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसीलिए राम कथा की तुलना गंगा से की है। सकल लोग जिन पावन गंगा, तो गंगा जी की क्या विशेषता है? आप गंगा जी के किनारे खड़े हो और उसके इतिहास की ओर आज की दृष्टि जाए, भगवान राम जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे और उन्होंने गंगा के तट पर खड़े होकर के गंगा की लहरों को देखा, तो प्रभु के मस्तिष्क और मन गंगा से जुड़ी हुई अनगिनत गाथाओं का स्मरण हो गया। और वो सब जी कहते उसमें भगवान श्री राम कथा कहने लगे, कई कई कोशिक कथा गंगा राम विलोकन गंग तरंगा। भगवान राम ने कथाओं को गंगा के अवतरण की कथा, गंगा की उत्पत्ति की कथा, गंगा के द्वारा जो महानतम संसार के जीवों का उद्धार होता है, जब उसकी कथा सुनाया, उसको सुनने और सुनाने का अभिप्राय यही है कि गंगा का उद्भव कितने पूर्व काल में सदियों में और आज हम इस युग में रह रहे हैं। त्रेता युग में भगवान के नाम ने गंगा को देखा, आज के युग में हम और आप गंगा के किनारे खड़े होते हैं, तो गंगा की क्या विशेषता है? तो गंगा की और राम कथा की एक ही विशेषता है कि गंगा की धारा कितनी पुरानी और कितनी नई। इसका सबका ये है कि स्मरण करते हैं तो लगता है वो गंगा है जिनका भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव हुआ, वो गंगा है जिन्हें भगीरथ तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए, वह गंगा है जिन्हें भगवान शंकर ने धारण किया और उस गंगा में बह चुका। लेकिन कितनी विचित्रता, क्या गंगा जी का जल उसी युग का है क्या? गंगा का जल तो निरंतर नया ही होता जा रहा है। जहां तक कि आप गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तब भी उस समय भी गंगा का जल नित्य नया होता जाता है, और यही गंगा की विलक्षणता है कि पुरानी होते हुए भी वो नित्य नहीं है, सर्वदा नहीं है। और यही विशेषता भगवान राम के चरित्र की है, भगवान राम की कथा की। पुरानी कथा होती तो पुरानी पड़ जाती, लेकिन वो तो गंगा की धारा और उसका एक बड़े महत्व का सूत्र ये है
कथा को अनंत होना ही चाहिए और सभी को प्रत्येक युग के अनगिनत व्यक्तियों की समस्या का समाधान कर सकती है। उस दृष्टि से आप कथा के तत्व पर हनुमान जी के चरित्र के संदर्भ में विचार करके देखें तो संसार के भगवान राम के कथा के वक्ताओं में अगर जो सर्वश्रेष्ठ है तो जिनकी तुलना किसी वक्ता से नहीं की जा सकती है वो हनुमान जी। और हनुमान जी ने जितने महान श्रोताओं को सुनाया वैसे महान श्रोता भी आज तक किसी वक्ता को नहीं मिला। और हनुमान जी ने जितने बुरे श्रोता को सुनाया वैसा बुरा श्रोता भी मिलना। तो हनुमान जी के चरित्र में जो कथा का तत्व है उसमें मानो एक संकेत कई जो कथा में घटनाएं घटित आप पढ़ते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और वो जो घटनाएं घटित होती हैं उसका उद्देश्य क्या है तात्पर्य क्या है वो हमारे लिए उसमें कौन सी प्रेरणा वो आप हनुमान जी की भूमिका देखेंगे। हनुमान जी युद्ध करते हैं युद्ध करके राक्षसों को परास्त करते हैं तो वो लंका के महानतम योद्धाओं का विनाश कर देते हैं। हनुमान जी की ये बलवत्ता ही हनुमान जी की बेईमानी अपने तो बलधारण करके ही मुझे प्रसन्नता की जाती है। मुझे तो हनुमान जी मुख्य रूप से तो कथा के वक्ता भी और कथा के दोषा भी कथा के वक्ता है जिन्होंने भगवान या जिनके द्वारा जब कथा सुनाई गई तो जिनकी श्रोता जगत जन्म जीता हो जिनके श्रोता भक्त श्रोमणी संत श्रोमणी भारत हो ऐसा श्रोता कहा किसी को देगा। पर उसके साथ साथ हनुमान जी की यह विलक्षणता है कि वो कथा को अनेक अनेक रूपों में प्रस्तुत करते जो व्यक्ति सामने है उसकी समस्या का समाधान राम कथा के द्वारा देते हैं और वो राम कथा घोषित रूप में प्रस्तुत करते वह मानो यह प्रकट करने के लिए है कि आप सब राम कथा सुन रहे हैं या व्यक्ति के द्वारा कही जा रही और ये माना जाता है कि हनुमान जी जब लोग प्रयाण करने लगे तो सारी प्रजा को अयोध्या को वासियों को भी लेकर के गए और हनुमान जी विमान में नहीं बैठे। लोग ने पूछा क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो मेरे धाम में तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज क्यों मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी पर रहूं तब तक जब तक राम कथा चलती है। मैं राम कथा कर चुका अब मैं चाहता हूँ कि युगों तक आपकी कथा निरंतर मैं सुनूं और इसलिए आपके सान्निध्य की अपेक्षा भी राम कथा सुनना मुझे प्रिय।